Follow Amit on Instagram at the Changani THECHANGANI and Motoroids India to never ever miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरॉइड्स में और हम आज आपके सामने लेकर के आए हैं नई होंडा हॉर्नेट 2.0। पहले हम लोगों का ये मानना था कि इस गाड़ी को होंडा हॉर्नेट 200R कहा जाएगा, लेकिन होंडा ने इसे हॉर्नेट 2.0 का नाम दिया है। ये एक 184cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड मोटरसाइकिल है और होंडा इसे 180-200cc का रिप्रेजेंटेटिव बोल रही है। पावर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको 17.26 HP की पीक पावर मिलती है और 16.1 न्यूटन मीटर्स की पीक टॉर्क मिलती है। और ये जो पावर और टॉर्क है, ये सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के साथ किस तरह से कंपेयर होती है, ये मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में बताता हूँ। लेकिन पहले हम लोग जल्दी से जान लें कि यहाँ पर नया क्या है। तो यहाँ पर आपको PGM-FI फ्यूल इंजेक्शन मिलता है, जहाँ पर 8 ऑनबोर्ड सेंसर्स हैं, जिससे कि इस गाड़ी का परफॉर्मेंस और स्मूथनेस काफ़ी अच्छी हो जाती है। स्मूथ पावर डिलीवरी के लिए यहाँ पर एक रोलर रॉकर आर्म भी है, जिससे कि फ्रिक्शन कम हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो नया इंजन है, यहाँ पर आपको पिस्टन कूलिंग जेट्स मिलते हैं, जिससे कि हीट डिसिपेशन और भी बेहतर हो जाता है। परफॉर्मेंस हमको अभी तक पता नहीं है इस गाड़ी का कैसा होगा, इसका रिव्यू हम लोग ज़रूर लेकर के आएंगे बहुत जल्द। लेकिन होंडा का कहना है कि ये गाड़ी बेस्ट इन क्लास मिड रेंज टॉर्क देती है और 0-200 meters 11.25 seconds में कवर करती है। ये जो इंजन है यहाँ पर, ये 5-speed गेयरबॉक्स के साथ मेटेड है। और इसके अलावा अगर आप इस गाड़ी की डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी सॉलिड मस्कुलर सा यहाँ पर टैंक मिलता है। एक बिकनी फेयर्ड आपको यहाँ पर हेडलाइट मिलेगी। लाइटिंग यहाँ चारों तरफ आपको LED मिलेगी। हेडलाइट्स, ब्लिंकर्स और टेल लैंप्स सब कुछ LED है और टेल लैंप्स आपको यहाँ पर एक्स शेप्ड मिलते हैं। चार कलर्स में ये गाड़ी आपको अवेलेबल है और ये कलर्स हैं मैट एक्सिस ग्रे मेटालिक, मैट मार्बल ब्लू मेटालिक, मैट सांग्रिया रेड मेटालिक और पर्ल इग्नियस ब्लैक। कुछ और अच्छी चीज़ों की यहाँ पर हम लोग बात करें तो आपको अपसाइड डाउन गोल्डन फ्रंट फोक्स मिलते हैं और आपको मिलता है एक मोनोशॉक रियर सस्पेंशन। एक और जो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, वो ये है कि ब्रेकिंग काफ़ी सॉलिड दी गई है। 276 mm फ्रंट ब्रेक है और 220 mm रियर ब्रेक है, लेकिन यहाँ पर आगे और पीछे दोनों ही तरफ आपको परफोरेटेड पेटल डिस्क मिलते हैं, जिससे ब्रेकिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी होगी, ऐसी हमें उम्मीद है। साथ ही सिंगल चैनल ABS आपको मिलेगा। टायर्स आपको सामने 110 सेक्शन, पीछे 140 सेक्शन, दोनों ही 17-inch व्हील्स पर मिलेंगे। और व्हील्स जैसा कि आप उम्मीद कर रहे होंगे, अलॉय व्हील्स हैं। इसके अलावा अगर आप एग्जॉस्ट देखेंगे तो काफ़ी स्टबी सा एग्जॉस्ट है, बहुत लंबा एग्जॉस्ट नहीं है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और स्टाइलिंग जो है वो काफ़ी मॉडर्न है, काफ़ी एग्रेसिव स्पोर्टी स्टाइलिंग दी गई है यहाँ पर। सीट्स भी जो है यहाँ पर स्प्लिट सीट्स दी गई हैं, जिससे कि एक फॉरवर्ड लीनिंग एग्रेसिव स्टांस मिल सके गाड़ी को। यहाँ पर स्टेप सीट नहीं है, प्रॉपर स्प्लिट सीट है। पिलियन के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ये नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। इसके अलावा ग्रैब रेल भी काफ़ी यहाँ पर देख करके यूज़फुल लग रहा है। ज़्यादातर कलर ऑप्शंस जो है वहाँ पर आपको 2-tone ट्रीटमेंट मिलेगा और इंजन जो है वहाँ पर आपको एक ब्लैक और क्रोम किस्म का ट्रीटमेंट दिया गया है। साथ ही साथ आपको इंजन के सामने एक काउल भी नज़र आएगा। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होंडा इस नए इंस्ट्रूमेंट कंसोल को फुली डिजिटल नेगेटिव लिक्विड क्रिस्टल मीटर, काफ़ी लंबा नाम है ये, कह रहा है। और यहाँ पर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है, सर्विस ड्यू इंडिकेटर मिलता है और बैटरी वोल्ट मीटर भी मिलता है। यहाँ पर ब्राइटनेस आप 5 अलग अलग लेवल पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्विच गियर की बात करें तो आपको अब एक नया इंजन स्टॉप स्विच मिलता है और साथ ही एक हज़ार्ड स्विच फीचर भी मिलता है। चेन यहाँ पर सील्ड है तो एडजस्टमेंट आपको कम करना होगा और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगी। इसके अलावा जो की है ये अब टैंक पर है, जिससे कि इसकी कन्वीनियंस में ज़रा और इजाफा होता है। फुट पैग्स अलॉय हैं और जो अलॉय व्हील डिज़ाइन है ये भी बिल्कुल नया है। इन सब चीज़ों के अलावा अब होंडा यहाँ पर आपको वारंटी दे रहा है 3+3 years की, यानी कि 3 years की स्टैंडर्ड वारंटी है और आप 3 years की ऑप्शनल एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं। तो ये तो सारी बातें हो गई स्पेक्स की, डिज़ाइन की और फीचर्स की, लेकिन किस तरह से ये गाड़ी कंपेयर करती है अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ में। तो अगर आप RTR 200 4V के साथ इसे कंपेयर करें तो वहाँ पर कीमत है 1.29 lakh rupees, जो कि यहाँ से 3000 rupees ज़्यादा है। और वहाँ पर जो पावर है वो है 19.9 HP, जो कि यहाँ से 2.64 HP ज़्यादा है। और वहाँ टॉर्क जो है वो है 16.8 newton meters, जो कि यहाँ से 0.7 newton meters ज़्यादा है। तो 3000 rupees ज़्यादा देकर के आपको वहाँ ज़रा ज़्यादा पावर और ज़रा ज़्यादा टॉर्क मिलती है। पावर की आप अगर बात करें तो पावर ज़रा ज़्यादा नहीं है, 2.64 अच्छी खासी एडिशन है अगर आप पावर की बात करें तो। इसके अलावा अगर आप इसे NS200, जो कि बजाज की पल्सर का एक वेरिएंट है, उससे कंपेयर करें तो वहाँ पर भी कीमत 1.29 लाख रुपीस है, जो कि इससे 3000 रुपीस ज़्यादा है। वहाँ पर पावर आपको 6.5 HP ज़्यादा मिलेगी और टॉर्क मिलेगी 2.4 Nm ज़्यादा, जो कि एक बहुत बड़ा इजाफा है। वहाँ पर 23.8 HP की पीक पावर और 18.5 newton meters की टॉर्क आपको मिलेगी 3000 rupees ज़्यादा देकर के। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला फर्स्ट इम्प्रेशन वीडियो।
इस नई एक्साइटिंग मोटरसाइकिल के बारे में। रिव्यू हम लोग बहुत जल्द लेकर के आएंगे, लेकिन कब हो पाएगा वो ये मालूम नहीं था, इसलिए हम लोगों ने ये वीडियो पहले बना दिया। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वो बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा दें। अगली बार तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। रेव हार्ड, रेव फ्री एंड राइड सेफ़।